नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। देश में राजनीति की बात चले और आम आदमी पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आंदोलन से जन्मी इस राजनीतिक पार्टी की भूमिका आखिर 2019 के चुनावों में क्या रहने वाली है। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 13 जनवरी को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। संजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2019 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना सारा ध्यान केवल दिल्ली पर ही देंगे। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के चुनावों में आम आदमी पार्टी लोकसभा की 432 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 4 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी और ये चारों सीटें उसे पंजाब में मिली थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल 2014 में यूपी के बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें 3 लाख से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली इस करारी हार के बाद ही ये लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी अब सिमटती जा रही है और दिल्ली के बाहर उसका कोई खास जनाधार नहीं है। लेकिन 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनावों में जब मोदी लहर अपने चरम पर थी और ये लग रहा था कि बीजेपी ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतने जा रही है क्योंकि इसके पहले हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में न केवल मोदी के विजय रथ को रोका बल्कि दिल्ली में लगभग क्लीन स्वीप करते हुए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतने में कामयाबी पाई और बीजेपी केवल 3 सीट जीत पाई और कांग्रेस का इस चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। जबकि इससे पहले 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। लेकिन 49 दिन बाद ही 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन उसके ठीक बाद हुए लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई थी। 2015 के बाद हुए ज्यादातर राज्यों में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती रही लेकिन पंजाब को अगर छोड़ दें तो उसे बाकी सभी जगहों पर हार का ही सामना करना पड़ा। ऐसे में आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जब ये घोषणा करते हैं कि उनके सबसे बड़े नेता इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। हालांकि संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ की सभी सीटों और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की वो कुछ सीटें कौन सी होंगी ये अभी तय नहीं है लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी अपना एक मजबूत उम्मीदवार बनारस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जरूर खड़ा करेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी का यूपी में अपना दल के साथ गठबंधन हो चुका है। 12 जनवरी को जिस दिन यूपी में सपा और बसपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ उसी दिन आम आदमी पार्टी और अपना दल के बीच गठबंधन की भी घोषणा हो गई। यहां पर यह बात भी आपको बताना चाहूंगा कि अपना दल जिसके संस्थापक सोनेलाल पटेल थे उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। अपना दल की कमान इस वक्त सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल के पास है और अपना दल सोनेलाल की कमान कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के पास है और अनुप्रिया पटेल इस वक्त केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी और अपना दल के बीच गठबंधन हो गया है और आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि वो इस बार कहां कहां से चुनाव लड़ेगी तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि 2014 में लोकसभा की 432 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आप इस बार इतनी कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने जिन 6 राज्यों में चुनाव लड़ने की बात की है दरअसल ये वही 6 राज्य हैं जहां पर 2014 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक वोट हासिल किया था। बाकी अधिकतर जगहों पर उम्मीदवारों की या तो जमानत जब्त हुई थी या फिर उसे बेहद ही कम वोट मिले थे। अगर कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी की ये बेहद सोची समझी रणनीति लगती है क्योंकि यूपी की 80 सीटों के अलावा पंजाब में 13, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, गोवा में 2
और चंडीगढ़ में केवल एक लोकसभा सीट है, ऐसे में आप 100 सीटों से कम पर ही चुनाव लड़ने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो इन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी और उन पर ज्यादा मेहनत कर पाएगी। अगर 2014 के चुनावों से इनकी तुलना करें तो पिछली बार पंजाब में आपने सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2017 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनावों में भी आपने 20 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इस चुनाव में आपका वोट शेयर 23.8% रहा था। इस हिसाब से पंजाब में आपकी दावेदारी काफी मजबूत कही जा सकती है। अगर बात करें हरियाणा की तो 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही आपने राज्य में मेहनत शुरू करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए और इसके साथ या फिर इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार दिख रही है। जबकि दिल्ली में हालात थोड़े से अलग है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर चुनाव जीता था, लेकिन सभी 7 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रही थी और उसका वोट शेयर 32.9% रहा था। इतना ही नहीं, अगर सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली लोकसभा में गठबंधन को लेकर बैकडोर टॉक चल रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय का 13 जनवरी को दिया हुआ बयान इस मामले की काफी अहम कड़ी माना जा रहा है। दरअसल गोपाल राय ने कहा था कि भले ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त ना दे पाए, लेकिन आपके वोट काटकर भगवा पार्टी के लिए जीत की राह आसान कर देगी। दरअसल दिल्ली में अजय माकन की जगह पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कांग्रेस का मुखिया बनाया जा चुका है। अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो पाता है या नहीं, यह भविष्य की बात है, लेकिन दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके बाद अगर बात करें गोवा की तो गोवा में कुल मिलाकर लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में यहां पर दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में गोवा में आम आदमी पार्टी 2019 में कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहां केवल एक लोकसभा सीट है जहां से 2014 में बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर ने जीत हासिल की थी और आप यहां पर 3rd नंबर पर आई थी। जबकि सबसे दिलचस्प आंकड़े देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के रहे। आम आदमी पार्टी यहां पर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर 2rd नंबर पर जरूर आए थे, लेकिन बाकी के राज्य में आप कहीं भी 2rd नंबर पर नहीं आ पाई। ऐसे में 2019 में अपना दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी क्या सपा बसपा गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के सामने कोई खास कमाल दिखा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।